तो गाइस आज हम बात करेंगे एमिट्राइन सी टेबलेट के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, इस्तेमाल करने के सही तरीका क्या है, इसका डोज यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। आप लोग पहले भी इसका नाम सुना होगा और पहले भी आप लोग इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम आपको इम्पोर्टेंट टेबलेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों टेबलेट का नाम है एमिट्राइन सी। दोस्तों ये अक्सर फिजिशियन और साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। एमिट्राइन सी बेनिफिट्स एंड यूज इन हिंदी। दोस्तों आप किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों डिप्रेशन और चिंता में आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों एमिट्राइन सी छोटे बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये नॉर्मली 15 या 18 साल के ऊपर के पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों आप बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन डाला हो, तो गाइज देख सकते हैं क्लोरोडाइजिपॉक्साइड एंड एमिट्रिप्टिलिन डाला हुआ है। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आप बात करेंगे इसके कंपनी के बारे में, बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी। तो गाइस देख सकते हैं केसी लेबोरेटरीज ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, बहुत ही अच्छा कंपनी, बहुत ही पुराना। तो गाइस आप बात करेंगे इसका इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों अगर आप सुबह 8 बजे लेते हैं तो 8 बजे ही लेना पड़ेगा, या फिर आप शाम में लेते हैं तो जिस टाइम पर आप लेते हैं उसी टाइम में आपको हर रोज लेना हो। तो गाइस आप बात करेंगे, अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत है या फिर बीमारी है तो दिन में एक टाइम यूज कर सकते हैं। तो गाइस जब भी इसका इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से परामर्श कर ले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें गाइस। तो गाइस आप बात करेंगे एमिट्राइन सी के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जो इस प्रकार आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे चक्कर आना, उगना, धंधली दृष्टि, सूजन या फिर कब्ज, मुंह सूखना, उलझन, अस्वैच्छिक दुर्बलता, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। तो गाइस आप बात करेंगे एमिट्राइन सी कंट्राइंडिकेशन हिंदी। दोस्तों अगर आपको लीवर रोग या फिर गुर्दे की बीमारी या फिर हृदय रोग या फिर आत्महत्या जैसी समस्या होती है तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उचित समझे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इससे भी अच्छी अच्छी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो गाइज मिलता है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।